हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जिनके भी पास मनी एंड बैंकिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपके साथ अब लेकर आने वाला हूँ वन शॉट रिविजन वीडियो। इसकी चारों यूनिट को एक एक वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा मैं आपको। चार वीडियो आएंगी टोटल, चारों यूनिट आपकी उन वीडियोस के अंदर कवर हो जाएंगी डिटेल में। जो जो चीजें आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई हैं, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, सारी चीजें मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियोस करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो परचेज करने हैं आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 129 रुपीज में आपको चारों यूनिट के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट इज कंप्लीट यूनिट को। सबसे पहले देख लेते हैं आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है इस यूनिट में। तो नंबर 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिफरेंशियल एंड रिस्क, थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया। इतनी चीजें हमें इसके अंदर कवर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ेंगे। पहली थ्योरी है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट इज अ इकोनॉमिक कंसेप्ट रूटेड इन क्लासिकल इकोनॉमिक विच वॉज प्राइमरीली डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। दिस थ्योरी फोकस ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी, ऑफन कंसीडरिंग अ लोनेबल फंड फ्रेमवर्क। जो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, ये किसने डेवलप करी थी? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसे डेवलप करा था। जो ये थ्योरी है किस चीज पर फोकस करती है? कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन करा जाए, किसकी मदद से? डिमांड एंड सप्लाई, जो मनी की डिमांड एंड सप्लाई है उसकी मदद से। तो इसको हम लोनेबल फंड फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, जिसके थ्रू इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करा जाता है इस थ्योरी के अंदर। इस थ्योरी की की अजम्पशंस क्या क्या है क्लासिकल थ्योरी की? नंबर 1 है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर डिटरमिनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो द क्लासिकल थ्योरी अज्यूम दैट इंटरेस्ट रेट इज द डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड। द सप्लाई ऑफ फंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेविंग, व्हाइल द डिमांड फॉर फंड इज डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। क्लासिकल थ्योरी क्या अज्यूम करती है? कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे निकलता है? मनी जो लोनेबल फंड होता है उसकी सप्लाई एंड डिमांड से निकलता है। अब जो लोनेबल फंड है उसकी सप्लाई कौन इन्फ्लुएंस करता है? जो सेविंग होती है वो उसकी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है, और जो डिमांड को होती है वो उसके लेवल, जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है वो कौन करता है? लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये अज्यूम करता है कि इसी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है इस थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड फ्लेक्सिबल प्राइस। तो इन द क्लासिकल व्यू मार्केट आर एज्यूम टू बी कॉम्पिटिटिव एंड प्राइस आर फ्लेक्सिबल, मीनिंग दे एडजस्ट टू इक्वेट सप्लाई एंड डिमांड। क्लासिकल थ्योरी की ये एक अजम्पशन है कि जो मार्केट है कि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और जो प्राइसेज हैं इस मार्केट के अंदर वो फ्लेक्सिबल प्राइसेज हैं। थर्ड अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो द क्लासिकल थ्योरी अज्यूम दैट इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मीनिंग दैट ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज एंड देयर इज नो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये अज्यूम करती है कि जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर है। फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर मतलब जितने भी रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज है, कोई भी अनयूटिलाइज रिसोर्सेज नहीं है, और किसी भी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इकोनॉमी में। फोर्थ अजम्पशन है मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉट अफेक्टिंग द रियल इकोनॉमी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जनरली रिगार्ड मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फर्दर देन समथिंग दैट डायरेक्टली अफेक्ट रियल आउटपुट। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो ये मानते हैं मनी सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसका किसी भी तरीके का रियल आउटपुट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। दे बिलीव दैट मनी इटसेल्फ डजंट इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ आउटपुट। और उनका मानना ये है कि सिर्फ मनी आउटपुट के लेवल को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये चार अजम्पशन है आपकी क्लासिकल थ्योरी की। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट की क्लासिकल थ्योरी है उसका मैकेनिज्म क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई ऑफ सेविंग एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। जो इंटरेस्ट रेट इस थ्योरी के अंदर डिटरमाइन होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है? सेविंग की सप्लाई से और इन्वेस्टमेंट की डिमांड से। तो अब सप्लाई ऑफ सेविंग क्या क्या मतलब होता है, जिसे हम सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड भी कहते हैं।
तो द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट हाउस होल्ड एंड फर्म आर विलिंग टू सेव एंड लेंड एट वेरियस इंटरेस्ट रेट। तो द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड रेफर्स टू द अमाउंट, लोनेबल फंड की सप्लाई का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो हाउस होल्ड और फर्म सेव करना चाहती हैं और उसे लेंड करना चाहती हैं अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इन्फ्लुएंस ऑफ सेविंग ऑन इंटरेस्ट रेट, अब जो ये सेविंग है इसकी क्या इन्फ्लुएंस होती है, तो द हायर द इंटरेस्ट रेट द मोर अट्रैक्टिव सेविंग बिकम फॉर इंडिविजुअल। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतनी ज्यादा ही लोग सेविंग करेंगे क्योंकि वो सेविंग करके उस मनी को लेंड कर लेंगे। दिस लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, और इससे क्या होगा, जो लोनेबल फंड है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। सेविंग बिहेवियर, तो इन द क्लासिकल मॉडल सेविंग इज सीन एज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, हायर द इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड ग्रेटर रिवॉर्ड फॉर सेविंग देयर बाय इंकरेजिंग मोर सेविंग। और इससे क्या होता है, सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या होता है, लोगों के अंदर जो सेविंग की हैबिट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है डिमांड फॉर लोनेबल फंड, तो द डिमांड फॉर लोनेबल फंड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी फर्म एंड गवर्नमेंट आर विलिंग टू बोरो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। डिमांड फॉर लोनेबल फंड का मतलब होता है कि फर्म्स और गवर्नमेंट कितनी अमाउंट है जिसे गवर्नमेंट और फर्म्स बोरो करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, वो कहलाती है हमारी डिमांड फॉर लोनेबल फंड। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट रेट, अब इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी क्या इन्फ्लुएंस होती है, तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड डिक्रीज एट द एज द इंटरेस्ट रेट राइज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग बिकम हायर फॉर द फर्म। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वैसे ही जो लोनेबल फंड की डिमांड होती है वो कम हो जाती है क्योंकि जो बोरोइंग कॉस्ट हैगी वो बढ़ जाती है फर्म्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए। हाई इंटरेस्ट रेट डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड एज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मे नॉट जस्टिफाई। और अगर हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो फिर कैपिटल गुड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है क्योंकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट से उस केस के अंदर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, फर्म टेंड्स टू बोरो मोर एट लोअर इंटरेस्ट रेट बिकॉज बोरोइंग इज चीपर लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। जो फर्म है वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर बोरो करना प्रेफर करती है क्योंकि उस केस में क्या होता है, जो बोरोइंग है वो चीपर हो जाती है और कैपिटल के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, तो द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड सेविंग एंड द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे डिटरमाइन होता है, सेविंग की सप्लाई से, डिमांड की इन्वेस्टमेंट की डिमांड से। द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज द रेट एट विच क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड सप्लाई इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड डिमांडेड। तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो रेट जहाँ पर जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड है वो इक्वल हो जाए डिमांड ऑफ लोनेबल फंड के, वो कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज टू हाई देयर विल बी एन एक्सेस सप्लाई ऑफ फंड विच विल ड्राइव द इंटरेस्ट रेट डाउन। अगर इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी लोनेबल फंड की और जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएगा। और वहीं अगर उल्टा केस है, इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा कम है तो डिमांड होगी। If the interest rate is too low, there will be an excess demand. तो वहाँ पर excess demand हो जाएगी funds की, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, जो interest rate है वो rise हो जाएगा, ठीक है। Next है key factor influencing the interest rate in the classical model. Classical model के अंदर कौन कौन से ऐसे key factor हैं जो interest rate को influence करते हैं। पहला आता है टाइम प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन। तो क्लासिकल थ्योरी assume that individual prefer current consumption over future consumption. सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है टाइम प्रेफरेंस की, जो कंज्यूमर है वो मतलब जो भी पर्सन हैं इसके अंदर इस क्लासिकल थ्योरी में वो किस टाइम पर कंज्यूम करना चाहते हैं अपने फंड को, वो टाइम प्रेफर करता है कि इंटरेस्ट रेट कैसा होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट फंड डिपेंड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फंड की डिमांड होगी या लोनेबल फंड की डिमांड होगी, मतलब सेविंग की सप्लाई ज्यादा होगी या डिमांड होगी इन्वेस्टमेंट की, ये किस चीज पर और डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, कितनी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, कितना उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर हाइयर रिटर्न एक्सपेक्टेड है तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी फंड की। और वहीं अगर उल्टा है, एक्सपेक्टेशंस ये है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न कम है तो उस केस में डिमांड कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक बोरोइंग, तो द गवर्नमेंट में आल्सो बोरो इन लोनेबल फंड मार्केट। जो गवर्नमेंट होती है लोनेबल फंड मार्केट के अंदर वो भी बोरो करती है। इफ गवर्नमेंट बोरो हैवीली इट कैन इंक्रीज द डिमांड फॉर फंड। अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा बोरोइंग करी तो उससे क्या होगा, फंड की डिमांड बढ़ जाएगी एकदम से, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाई होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट बोथ द सप्लाई ऑफ एंड द डिमांड फॉर लोनेबल फंड।
जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है कि महंगाई बढ़ेगी या कम होगी, उससे क्या होता है, उससे भी सप्लाई और डिमांड लोनेबल फंड की इफेक्ट होती है। इफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज, लेंडर विल डिमांड हायर इंटरेस्ट रेट। अगर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो लेंडर क्या करेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट डिमांड करेंगे। वहीं जो इससे क्या होगा, जो परचेजिंग पावर है मनी की वो कम हो जाएगी। वहीं अगर उल्टा केस है, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन कम होगी तो इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगा और परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी मनी की। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। जो क्लासिकल थ्योरी है उसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है, तो हर चीज के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसके क्या क्या हैं, पहला है अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो द क्लासिकल थ्योरी अज्यूम दैट इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये अज्यूम करती है कि जो इकोनॉमी है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर रहेगी, विच डज नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू इन रियल वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि रियल वर्ल्ड इकोनॉमीज में कभी भी ट्रू नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर हो। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन लीड टू डेविएशन फ्रॉम क्लासिकल मॉडल। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है और अंडर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, उससे क्या होता है, जो क्लासिकल मॉडल होता है इकोनॉमीज उससे डेविएट हो जाती है। सेकेंड क्रिटिसिज्म है सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो द क्लासिकल मॉडल एज्यूम दैट सेविंग आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये एज्यूम करती है कि जो सेविंग होगी वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगी किसके, इंटरेस्ट रेट के, एंड दैट सेविंग ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इंटू इन्वेस्टमेंट। और इससे क्या होता है, ये भी अज्यूम करती है कि जो सेविंग है वो अपने आप इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। हाउएवर दिस इग्नोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी सच एज रोल ऑफ कंज्यूमर। लेकिन जो ये क्लासिकल थ्योरी है ये मॉडर्न इकोनॉमीज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसे इग्नोर कर देती है और उसके बिना ही सारी चीजें अज्यूम करती है। नेक्स्ट है इग्नोरिंग द रोल ऑफ मनी एंड क्रेडिट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट टेंड टू फोकस ऑन रियल इकोनॉमी एंड डिसमिस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रेडिट। जो क्लासिकल इकोनॉमी है वो रियल इकोनॉमी के ऊपर फोकस करती है और मनी और क्रेडिट को इग्नोर कर देती है। हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड द बिहेवियर ऑफ बैंकिंग सिस्टम आर क्रूशियल इन मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट। लेकिन आज के टाइम पर फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कितना क्रेडिट अवेलेबल है और बैंकिंग सिस्टम कैसा है, उस चीज पर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जो कि क्लासिकल थ्योरी में पूरी तरीके से इग्नोर कर दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड फोकस ऑन फाइनेंशियल मार्केट। तो द क्लासिकल थ्योरी लार्जली इग्नोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट दैट प्ले क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट, स्पेशली इन टूडे इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी। आज के टाइम पर जो इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी है उसके टाइम में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और फाइनेंशियल मार्केट है, इनका भी बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने में। लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी है वो इन दोनों एस्पेक्ट्स को ही इग्नोर करके चलती है, उन्हें अपने अंदर इंक्लूड नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्लासिकल थ्योरी कंप्लीट। जो जो इसकी चीजें थी सारी हमने कवर कर ली है। अब देखिए जो सेकंड थ्योरी हमारी लोनेबल फंड थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से क्लासिकल थ्योरी है, क्योंकि वो भी लोनेबल फंड फ्रेमवर्क पर थी, ये भी लोनेबल फंड फ्रेमवर्क पर है, बिल्कुल एज इट इज सेम थ्योरी है। बस उसमें क्लासिकल वर्ड आ रहा था, इसमें लोनेबल फंड थ्योरी का नाम आएगा, बाकी पूरा सेम है एग्जैक्ट। तो इसे मैं आपको पूरा डीपली मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है द लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट इज अ क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड थ्रू इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंटरेस्ट रेट इज प्राइस दैट इक्विलिब्रेट द सप्लाई ऑफ फंड एंड द डिमांड फॉर फंड। द थ्योरी इज बिल्ट ऑन द प्रेमिसेस दैट द मार्केट फॉर लोनेबल फंड सिमिलरली टू एनी अदर मार्केट वेयर द इक्विलिब्रियम रेट इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस दैट इक्वेट सप्लाई एंड डिमांड फॉर फंड। ठीक है, अब देखिए की कंसेप्ट बताए हैं लोनेबल फंड थ्योरी के। लोनेबल फंड क्या होता है, एक पूल होता है मनी का जो कि लैंड और बोरो करने के लिए अवेलेबल होता है, उसे लोनेबल फंड कहा जाता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी बोरो करी जाती है, या रिवॉर्ड जो सेविंग का होता है, मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो कहलाता है इंटरेस्ट रेट। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का मतलब क्या होता है कि द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड कम्स प्राइमरली फ्रॉम सेविंग। जो सेविंग होती है इंडिविजुअल की, वो जब अपनी सेविंग को लेंड कर देते हैं, बोरोइंग पर दे देते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। और डिमांड फॉर लोनेबल फंड क्या होता है, बोरोइंग लेना इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, वो कहलाता है हमारा डिमांड फॉर लोनेबल फंड। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, वही मैकेनिज्म होता है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, मतलब सप्लाई ऑफ सेविंग होती है इसके अंदर, उसके बाद डिमांड फॉर लोनेबल फंड मतलब डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट,
और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जहां पर सप्लाई फॉर लोनेबल फंड इक्वल डिमांड फॉर लोनेबल फंड हो जाए वो कहलाता है इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोनेबल फंड मार्केट। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो लोनेबल फंड मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऊपर पड़े अभी हमने सारे, टाइम प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन, इकोनॉमीज एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है ऊपर। और लास्ट है इसका जो क्रिटिसिज्म ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी की, जो लोनेबल फंड थ्योरी है उसके क्रिटिसिज्म क्या क्या है। तो सिंपलिस्टिक एजम्पशन लेती है, ओवरलुक कर देती है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को हमने पढ़ा, और इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड, ये इसकी तीन क्रिटिसिज्म हो जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज सेम थ्योरी है, अगर आपको एक भी याद है इनमें से तो आप दूसरी वाली अपने आप लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, अब देखिए, नाउ नेक्स्ट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट वॉज डेवलप्ड बाय रेनोड इकोनॉमिस्ट जॉन मेयर कीन्स इन हिज सेमिनियल वर्क द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अनलाइक द क्लासिकल थ्योरी विच फोकस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड, द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एक्सप्लेन इंटरेस्ट रेट थ्रू द डिमांड फॉर मनी एंड पीपल प्रेफरेंस फॉर होल्डिंग लिक्विड एसेट्स वर्सेस इलिक्विड एसेट्स और अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये थ्योरी किसने दी थी, जो रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं जॉन मेयर कीन्स, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। क्लासिकल थ्योरी में हमें बोला गया था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड से डिटरमाइन होता है, लेकिन इन्होंने इस लिक्विडिटी थ्योरी में बताया कि जो सप्लाई एंड डिमांड है मनी की वो किस चीज पर डिपेंड करती है, पीपल्स की क्या प्रेफरेंस है कि वो कितना लिक्विड एसेट्स होल्ड करना चाहते हैं और कितना इलिक्विड एसेट्स होल्ड करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि मनी की सप्लाई और डिमांड क्या रहेगी और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। ठीक है, अब देखिए की कंसेप्ट हैंगे इसके कुछ। सबसे पहले लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होती है, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस रेफर्स टू द डिजायर ऑफ पीपल टू होल्ड मनी इन लिक्विड फॉर्म, लोगों की इच्छा कि वो कितने लिक्विड फॉर्म में मनी होल्ड करना चाहते हैं वो कहलाती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, रेदर देन इन्वेस्टिंग इन लेस लिक्विड एसेट्स लाइक बॉन्ड और स्टॉक। पीपल हैव अ प्रेफरेंस फॉर होल्डिंग कैश बिकॉज इट्स रेडली अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन एंड इट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इंटू अदर एसेट्स इफ नीडेड। लोगों की जो प्रेफरेंस होती है कैश होल्ड करने की, क्यों वो क्यों होती है, क्योंकि जो ये फॉर्म होती है कैश की वो रेडली मतलब हर टाइम अवेलेबल रहती है ट्रांजेक्शन करने के लिए, जब भी उन्हें जरूरत होती है वो उसे किसी भी दूसरे एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट रेट इज व्यूड एज द प्राइस ऑफ मनी इन द केनेडियन मॉडल, इट इज अ रिवॉर्ड फॉर गिविंग अप लिक्विडिटी एंड फॉर लेंडिंग मनी। इंटरेस्ट रेट क्या होता है केनेडियन थ्योरी में, इंटरेस्ट रेट को प्राइस कहा जाता है मनी को लेने का, या फिर इसके अलावा हम इसे क्या कहते हैं, अपनी लिक्विडिटी एक तरीके से छोड़ने का जो रिवॉर्ड होता है वो कहलाता है इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है डिमांड फॉर मनी। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स द डिमांड फॉर मनी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री प्राइमरी मोटिव। कीन्स के अकॉर्डिंग जो डिमांड फॉर मनी है वो तीन मोटिव की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। सबसे पहला आता है ट्रांजेक्शन मोटिव, पीपल होल्ड मनी टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन, द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड फॉर दिस पर्पस डिमांड ऑन द लेवल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम एंड द ट्रांजेक्शन नीड ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस। सबसे पहले लोग मनी किस लिए होल्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब कितनी मनी होल्ड करेंगे वो ट्रांजेक्शन के लिए वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि पर्सन की इनकम क्या है और वो कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन करने वाला है, उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो ट्रांजेक्शन के लिए कितना मनी होल्ड करेगा। सेकंड मोटिव होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। तो पीपल होल्ड मनी एज अ बफर फॉर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी सच एज मेडिकल एक्सपेंस और अनफोर्सीन इवेंट। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए लोग मनी होल्ड करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो लोग हैं वो मनी होल्ड करते हैं किस लिए, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंस बियर करने के लिए या अनफोर्सीन इवेंट के एक्सपेंस बियर करने के लिए जब वो होल्ड करते हैं तो वो कहलाता है उनका प्रिकॉशनरी मोटिव। नेक्स्ट आता है स्पेकुलेटिव मोटिव। तो पीपल होल्ड मनी व्हेन दे एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू राइज बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू बी एबल टू बाय बॉन्ड एट लोअर प्राइस लेटर। तीसरा मोटिव है लोग मनी क्यों होल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ेगा, तो वो क्या करते हैं मनी होल्ड करते हैं, उससे बॉन्ड्स खरीद लेते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पर, और उसके बाद फिर जब इंटरेस्ट रेट हाई जाता है तो उससे फिर अर्निंग होती है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ मनी। तो द सप्लाई ऑफ मनी इज टिपिकली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी इन एन इकोनॉमी।
कीन्स के मॉडल के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी इसे मेंटेन करते हैं। इट इज एज्यूम टू बी फिक्स्ड इन शॉर्ट रन, मीनिंग देयर सेंट्रल बैंक कैन नॉट एडजस्ट द मनी सप्लाई इंस्टेंटली इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड। शॉर्ट रन के अंदर इसे फिक्स माना जाता है। फिक्स माना जाने का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल बैंक शॉर्ट रन के अंदर मनी की सप्लाई में चेंज नहीं कर सकती है डिमांड में चेंज आने की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें डिमांड फॉर मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जिसे कहा जाता है। तो डिमांड फॉर मनी में वही है आपका कि मनी की डिमांड का मतलब क्या होता है कि लोगों ने अपने पास कितना कैश में मनी होल्ड कर रखा है और किस रीजन से कर रखा है। तो जो डिमांड फॉर मनी है वो तीन रीजन की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। पहला आता है हमारा ट्रांजेक्शन मोटिव, दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। तीनों के बारे में मैं अभी जस्ट ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। ग्राफ पे हम इसे वर्टिकल लाइन की मदद से दिखाते हैं क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर ये फिक्स होता है और सेंट्रल बैंक भी इसे चाहकर एडजस्ट नहीं कर सकती है। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट क्या होता है? वो रेट जहां पर जो सप्लाई ऑफ मनी है वो डिमांड ऑफ मनी के इक्वल हो जाए, ये तो सेम ही रहेगी डेफिनेशन सब में, वो कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। क्रिटिसिज्म क्या है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के? सबसे पहला वही सारे इसके भी क्रिटिसिज्म बन जाते हैं। सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ मनी डिमांड है, मतलब इसके अंदर किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज को इन्वॉल्व नहीं करा जाता है, सारी चीजें सिंपल रहेंगी, ये सारी चीजें एज्यूम करी जाती हैं। नेक्स्ट है एजम्पशन ऑफ फिक्स्ड मनी सप्लाई। इसके अंदर एजम्पशन होती है कि जो मनी की सप्लाई रहेगी वो फिक्स रहेगी, सेंट्रल बैंक उसे चेंज नहीं कर सकती है डिमांड के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। आज के टाइम पर इकोनॉमीज में डिमांड के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई में भी चेंजेस लाती है। नेक्स्ट है ओवर इम्फेसिस इन ऑन इंटरेस्ट रेट। इसके अंदर जो ओवर इम्फेसिस दी गई है वो इंटरेस्ट रेट को ओवर इम्फेसिस दी गई है क्योंकि इसके अंदर क्या करा गया है, सारा जो थ्योरी है वो इंटरेस्ट रेट के ही आसपास घूम रही है। नेक्स्ट है अजम्पशन ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन। सो द थ्योरी अज्यूम दैट पीपल फ्रॉम एक्सपेक्टेशन रेशनली एंड बेस देयर डिसीजन सोली ऑन इंटरेस्ट रेट। इसके अंदर जो लोग हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं और अपना सारे डिसीजन इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर लेते हैं, ये इसके क्रिटिसिज्म हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल रेफर्स टू द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट बिटवीन टू कंट्रीज बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का मतलब होता है दो देशों के बीच में, जो दो कंट्रीज हैं उनके बीच में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होना, या फिर दो फाइनेंशियल एसेट हैं उनके बीच में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होना, वो कहलाता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। दिस कंसेप्ट इज एसेंशियल इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड कैपिटल फ्लो। ये जो कंसेप्ट है किस जगह पर इंपॉर्टेंट है, किस कंटेक्स्ट में? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए, कैपिटल फ्लो के लिए और इंटरनेशनल फाइनेंसिस के लिए जरूरी है सब कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला आता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट थ्रू देयर मॉनेटरी पॉलिसी। इफ सेंट्रल बैंक रेज द इंटरेस्ट रेट व्हाइल अनदर मेंटेन लोअर इंटरेस्ट रेट, इट क्रिएट एन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। पहला है जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उससे भी इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस होता है। अगर एक बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया अपना और दूसरी बैंक का इंटरेस्ट रेट सेम रहता है तो इसमें फिर ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आ जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। तो कंट्री विद हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन टिपिकली रेज देयर इंटरेस्ट रेट टू कर्व इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इंक्रीज इन वन कंट्री इट्स सेंट्रल बैंक में हाइक इंटरेस्ट रेट, रिजल्टिंग इन लार्जर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कंपेयर टू कंट्री विद स्टेबल और लो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। अगर एक कंट्री के अंदर हायर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन हो जाती है तो कंट्री की भी सेंट्रल बैंक क्या करेगी, उसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वहीं जो दूसरी कंट्री होगी जहां पर लो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन या स्टेबल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वहां पर क्या होगा आपका, वहां पर वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ में लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट एज सेंट्रल बैंक रेज इंटरेस्ट रेट टू अवॉइड ओवरईटिंग। क्या बोला है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो उस कंट्री के इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट रहेंगे, जिसकी वजह से जो दूसरी कंट्री होगी उसमें इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्रिएट हो जाएगा।
फिर है रिस्क की परसेप्शन। अगर कंट्री विद हायर परसीव्ड रिस्क में ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऐसी कंट्री जहां पर हायर परसीव्ड रिस्क होगा वो हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। वहीं जो दूसरी कंट्री होगी वहां पर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन होगी नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्रिएट हो जाएगा। फिर है कैपिटल का फ्लो, कि अगर किसी कंट्री में कैपिटल का फ्लो ज्यादा होगा तो उस कंट्री में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक कंट्री में कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है जिसकी वजह से वहां के इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होंगे, और जिस कंट्री में नहीं हो रहा है वहां के इंटरेस्ट रेट लो होंगे, तो इससे भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का इंपैक्ट क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर इसका इंपैक्ट होता है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है प्राइमरी ड्राइवर फॉर एक्सचेंज रेट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बेसिस पर ही डिटरमाइन होते हैं। नेक्स्ट है कैरी ट्रेड। तो कैरी ट्रेड इज अ स्ट्रेटजी वेयर इन्वेस्टर बोरो मनी इन करेंसी विद लोअर इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्ट इन एसेट इन द करेंसी विद हायर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की वजह से कैरी ट्रेड होने लगता है। कैरी ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोअर इंटरेस्ट रेट वाली कंपनी से कंट्री से बोरो करते हैं और हायर इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसमें फिर उन्हें कुछ बीच में इनकम हो जाती है। फिर है इन्फ्लेशन एंड कैपिटल इनफ्लो। अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होगा तो उससे क्या होता है, फिर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से कैपिटल फ्लो में भी इम्पैक्ट पड़ता है। कैपिटल या तो इनफ्लो बढ़ जाता है या आउटफ्लो बढ़ जाता है। फिर जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के डिसीजन होते हैं वो किस चीज़ पर, इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है उस कंट्री का। उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने डिसीजन लेते हैं कि हमें किस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये थी आपकी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बारे में। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है थ्योरी ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट की जो थ्योरीज है कि टर्म स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं। तो फर्स्ट है हमारी इसमें प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, द प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, जिसे हम एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। पोजिस्ट दैट शेप ऑफ द यील्ड कर्व इज एंटायरली डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या कहती है, कि जो यील्ड कर्व होगा उसका जो कर्व होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, कि जो इन्वेस्टर है उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट टर्म में फ्यूचर इंटरेस्ट रेट को लेकर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्ट द एवरेज ऑफ करंट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट रहेगा वो क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन होती है उसकी एवरेज से निकल कर बनता है लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अगर यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है तो ये बताता है कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। वहीं अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये बताता है कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट रन में इंटरेस्ट रेट गिरेगा। ठीक है, की अजम्पशंस क्या क्या हो जाती हैं इसकी, कि तो इन्वेस्टर आर इंडिफरेंट बिटवीन होल्डिंग शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टर अलग अलग होते हैं, कुछ चाहते हैं कि हम शॉर्ट रन टर्म के लिए होल्ड करें इनको, और कुछ चाहते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें एक्सपेक्टेड रिटर्न के अकॉर्डिंग। लॉन्ग टर्म यील्ड क्या होती है, इसके अंदर जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है उसकी जब एवरेज लेते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टर्म यील्ड निकल कर आती है। और इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई रिस्क प्रीमियम नहीं होता है, लिक्विडिटी प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं होता है। इम्प्लीकेशन क्या क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग का होता है तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट राइज होगा, ये एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर की, और डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा, ये एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर्स की। लिमिटेशन क्या होती है, ये लिमिटेशन है इसकी कि जो इसके अंदर इन्वेस्टर होते हैं वो ये अज्यूम करते हैं, ये माना जाता है कि इन्वेस्टर पूरी तरीके से परफेक्टली फोरकास्ट करते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक है, और इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई रिस्क प्रीमियम नहीं होता है, ये इसकी दो लिमिटेशंस हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। तो द मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी, जिसे हम सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी भी कहते हैं, सजेस्ट दैट बॉन्ड मार्केट इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेगमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट इन्वेस्टर प्रेफरेंस फॉर बॉन्ड मैच्योरिटीज। ये थ्योरी बताती है कि बॉन्ड मार्केट को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, किस चीज के बेसिस पर, जो इन्वेस्टर हैं वो कैसे बॉन्ड की कैसी मैच्योरिटी वाले बॉन्ड चाहते हैं उसके बेसिस पर हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर हैं उनके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जैसे शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले, मीडियम टर्म मैच्योरिटी वाले और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले इन्वेस्टर। इसकी की अजम्पशन क्या है, कि जो मार्केट है वो सेगमेंटेड है, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर, और अलग अलग तरीके की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड अवेलेबल हैं।
इंटरेस्ट रेट फॉर बॉन्ड, जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो किस सेगमेंट का बॉन्ड है, उसकी क्या मैच्योरिटी है और उसकी क्या सप्लाई डिमांड की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेट डिटरमाइन होता है। और इसके अंदर किसी भी तरीके की फ्यूचर टर्म रेट की एक्सपेक्टेशन कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती है। इम्प्लीकेशन क्या क्या है इसकी, तो इसके अंदर जो यील्ड कर्व होता है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है, सप्लाई एंड डिमांड से डिटरमाइन होता है। अगर स्टीप अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड की हाई डिमांड है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड की लो डिमांड है। अगर फ्लैट और इन्वर्टेड यील्ड कर्व है तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड की डिमांड कम है। इसकी लिमिटेशन क्या हो जाती है आपकी, ये अज्यूम करता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे दो डिफरेंट मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के बीच में, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है। इन्वेस्टर एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में चले जाते हैं अगर उन्हें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और ये इट डज नॉट डायरेक्टली अकाउंट फॉर रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसमें किसी भी तरीके के फ्यूचर इंटरेस्ट रेट चेंजेस को इंक्लूड नहीं करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है द प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी। तो द प्रेफर्ड हैबिटेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। जो प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी है वो मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी की एक एक्सटेंशन है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट व्हाइल इन्वेस्टर हैव प्रेफरेंस फॉर सर्टेन मैच्योरिटी, दे आर विलिंग टू शिफ्ट टू अदर मैच्योरिटी इफ दे आर कंपनसेटेड विद अ सफिशिएंट रिस्क प्रीमियम। जो ऊपर वाली थ्योरी थी वो ये कहती थी कि जो इन्वेस्टर हैं वो एक मैच्योरिटी वाले बॉन्ड से दूसरी मैच्योरिटी वाले बॉन्ड में शिफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी का कहना है कि ऐसा नहीं है, जो इन्वेस्टर हैं वो एक मैच्योरिटी से दूसरी मैच्योरिटी में शिफ्ट हो जाएंगे अगर उन्हें अच्छा प्रीमियम मिलता है और उन्हें कंपनसेट करा जाता है रिस्क प्रीमियम के साथ, ठीक है। इसकी अजम्पशन क्या है कि जो इन्वेस्टर हैं वो मैच्योरिटीज के बेसिस पर कुछ डिटरमाइन नहीं करेंगे कि अगर उन्हें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो वो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और लॉन्ग टर्म यील्ड इसके अंदर कुछ क्या होती है, जो एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म रेट है वो इसके अंदर लॉन्ग टर्म निकल कर आता है उसकी एवरेज से, ठीक है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है, ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट की क्या एक्सपेक्टेशन है उससे इन्फ्लुएंस होता है, और रिस्क प्रीमियम क्या है उससे इन्फ्लुएंस होता है इसका यील्ड कर्व। अगर अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है तो ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे इसकी एक्सपेक्टेशन है, और जो रिस्क प्रीमियम है वो भी बढ़ेगी इसकी एक्सपेक्टेशन है। वहीं इसका उल्टा है तो दोनों चीज़ें लो होंगी ये एक्सपेक्टेशन में माना जाता है। लिमिटेशन क्या है, व्हाइल द थ्योरी इनकॉर्पोरेट मोर फ्लेक्सिबल व्यू ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर देन मार्केट सेगमेंटेशन, इट स्टिल रियलाइज ऑन आइडिया दैट इन्वेस्टर हैज अ प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक मैच्योरिटी। ये जो थ्योरी है ये एक एक्सटेंशन मानी गई है, फ्लेक्सिबल मानी गई है मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी से, लेकिन इसके अंदर भी ये माना जाता है कहीं ना कहीं कि जो इन्वेस्टर है उनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रेफरेंस जरूर होती है मैच्योरिटीज को लेकर। नेक्स्ट है द थ्योरी डज नॉट ऑलवेज क्लियरली क्वांटिफाई द रिस्क प्रीमियम। और इस थ्योरी के अंदर कभी भी क्लियर एक्यूरेट रिस्क प्रीमियम का पता नहीं चलता है, ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये यूनिट नंबर 3 की वन शॉट रिवीजन भी कंप्लीट हो जाती है। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।